Spin load. Okay. That's a belly command. सब लोगों को बार बार पेश करता हूँ मेरी बड़ी मम्मी है सर के साथ तमाम जो है हमने आपको मुबारकबाद के लिए भी याद रखना था लेकिन हमारे मीरपुर शहर का मरकजी कब्रिस्तान बड़ी जो पिछले दिनों में तकरीबन 300 गज की फेंस जो है उसको तोड़ा गया और उसके अंदर मशीनें द्वारा को कब्जा करने की कोशिश की गई। ये 2008 में मरकजी कब्रिस्तान चितकबरी के लिए तकरीबन 500 लाख अखबार जो है वो मुख्तस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन उसका हुआ। उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने 2012 में उस वक्त उन्होंने मजीद एक नोटिफिकेशन हुआ जो तकरीबन 600 प्लान रखा है वो मजीद उसके लिए मुख्तस किया गया। इस सारे रकबा जो है इसके गिर्द अदारा तरक्यात के ज़रिए उस वक्त की हुकूमत जिसके प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे उन्होंने मैं समझता हूँ कि उन्होंने और बहुत काम किए मीरपुर के लिए लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये मेरे नुक्ते नज़र से ये एक ऐसा काम है जो मीरपुर शहर पर उनका बहुत बड़ा एहसान मैं समझता हूँ। इसको प्रोटेक्ट करना जो है ये मीरपुर के हर शहरी का उस लिहाज से एक जिम्मेदारी बनती है इसको इस रकबा को प्रोटेक्ट करें क्योंकि इसका इसके इर्द गिर्द जो है बाकायदा फेंस लगी हुई है और 2012 से तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं ये करोड़ों रुपये की इस पर लागत आई है और इस पर इसके अंदर उन्होंने शेड भी बनाया एक राशन मकान भी बना इसके अंदर ट्यूबवेल मौजूद है और उसके बाद जिस वक्त ये चौधरी मजीद साहब की हुकूमत के दौरान ही ये कमेटी जो है मीरपुर शहर के तमाम लोगों की उन्होंने जितने कब्रिस्तान मीरपुर के कब्रिस्तान हैं उनकी कमेटियों के लोग हैं उन सबको जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बुलाया गया एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर एक कमेटी जो है उसकी तश्कील हुई। हम गुज़श्ता 8-10 साल से इस पर काम कर रहे हैं और आप इस वक्त भी आप उसको जो मरकजी कब्रिस्तान है उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है वो सारा बोर्ड और उसके अंदर बेशुमार हज़ारों की तादाद में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर भी एक तो बाहर फेंस है इसके अलावा उसके अंदर भी एक फेंस हमने लगाई है और फिर हाल ही में आप इंतहाई मगरब की जानब जिस वक्त जिस साइड पर ये फौजी कैंप है उस तरफ जो है हमने फेज़ वन के तौर पर मरकजी कब्रिस्तान के फेज़ वन के तौर पर हमने काम का आगाज़ किया हुआ है और उसमें तकरीबन मैं इस मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 लाख रुपया जो है उस वक्त इस वक्त तक हम उसके खर्च कर चुके हैं जगह को प्लान किया है और उसके अंदर भी हमने एक फेंस लगाया है और बिल्कुल जो मॉडर्न तर्ज के कब्रिस्तान है उस तर्ज के कब्रिस्तान जो है वो इसको बहुत सी शक्ल दे रहे हैं। आपको इंशाल्लाह जिस वक्त इसका इफ्तिताह करेंगे और सब जो आपको दावा देंगे आप उसको इस वक्त खुद भी इस वक्त भी खुद जाके देख सकते हैं कब्रिस्तान के अंदर गेट वहाँ पे जो एस डी एम साहब की दौलत का एक एहलकार है उसके पास मौजूद होता है वो आप किसी वक्त भी ये सारी जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी है ये सारी चीज़ें आप खुद मौके पे जाके देख सकते हैं। हमने फौरी तौर पर चौधरी जावेद साहब ने इस पर एक्शन लिया मेरी अपने साथ के मुताबिक मैंने भी जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया इंतजामिया को अनबोर्ड किया और इस वक्त तक उस पर उनका प्रोग्राम तो ये था कि उस पर बाकायदा वो तामीर करते कमरे बनाते और हमने इस चीज़ को रोक दिया है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से
ये सारी मैं समझता हूँ कि आवाम की ताकत है, आवाम की वजह से सारा हुआ है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत जो है इसलिए पेश आई है कि ये एक मुश्तरका काज है जो हमारे मीरपुर शहर में लैंड माफिया है वो किसी सूरत में भी इतनी बड़ी जगह जो है, इतनी बड़ी जगह को जो है वो किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ये उसको देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी जगह जो है क्यों मुख्तस की गई है, ये कैसे जो है इतनी बड़ी जगह खाली पड़ी है। तो ये तो आगाज़ है लैंड माफिया की तरफ से, ये आगाज़ है, इससे बड़े भी हमले होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि आपके तामन से हम ये जगह जो है इसकी इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो लैंड माफिया जिसने ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह हम ये भरपूर तरीके से और पूरी फोर्स के साथ जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो ये आपके सामने सूरत हाल रखना ज़रूरी था, आप हज़रात से ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे हज़रात जो है ये जिस जगह पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है वो फैक्ट छोड़ा है, आप भी उसका विज़िट करें। अभी कहते तो हम सारे इकट्ठे चलते हैं वो जगह देखें जो जिस जगह को हमने डेवलप किया है, जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर चुके हैं वो सारी जगह जिसका दरख्त वगैरह लगाए हैं वो सारी जगह आप उसका विज़िट करें, देखें कि हमने उस पर कितना काम किया है। तो हम कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहते कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन कम अज़ कम आप सब लोगों के ये इल्म में होना चाहिए कि वहाँ पे जो मरकज़ी कब्रिस्तान है वो सब लोगों के लिए, वो रियाज आलम और चौधरी जावेद साहब और वानी साहब और शेख राम सदर साहब इनके लिए नहीं, ये सारे मीरपुर शहर के लिए है। और ये मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि भरपूर तरीके से आप कमेटी के साथ तावन करें, हमें हमारे दस्तों बाजू बने, हमारी ताकत बने और वो जो लैंड माफिया है जो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी भरपूर तरीके से हमारी मदद करें।